सो हे गाइस, दिस इज नॉट शो। आज के वीडियो से बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा के बारे में। यहाँ पर ये कैमरा स्पॉट कर दिया गया है, आप सभी को पता है, और यहाँ पर ये आने वाला है अपकमिंग शाओमी के डिवाइसेस के साथ में। तो जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर सैमसंग लेके या फिर अदर कंपनी लेकर आएगी इसी 108 मेगापिक्सल के साथ में पहला स्मार्टफोन, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। जो शाओमी है वो होने वाला पहला स्मार्टफोन जो आएगा इसी 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में। सो इन दिस वीडियो से बात करने वाले इसी कैमरा सेंसर के बारे में, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में और इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में। एंड साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हम भैया कैमरा के पिक्सल साइज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले हमने यूज़ किए थे 48 मेगापिक्सल कैमरा को, उसके बाद आया नंबर 64 का, एंड अभी तक 64 भी हमारे सामने नहीं आ पाया, यहाँ पर अनाउंस हो चुका है 108 का। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि भैया अगर हम जितने मेगापिक्सल को बढ़ाते जाएं तो उतना ज़्यादा कैमरा क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती जाएगी। तो इसमें भी कुछ एक फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सो आई होप वीडियो काफ़ी तक पसंद आएगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मी ऑल नोटिफिकेशन एवरी डे। तो गाइस, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसी सैमसंग आइसोसेल ब्राइट HMX सेंसर के बारे में, जो कि है 108 मेगापिक्सल का। सो यहाँ पर अगर बात की जाए इस कैमरा सेंसर को, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंसर है अभी तक का, जो अभी तक मोबाइल इंडस्ट्रीज में और कैमरा इंडस्ट्रीज में आया हुआ है। सो ये वन ऑफ द टॉप कैमरा सेंसर जो हमको देखने को मिलने वाला है शाओमी के किसी अपकमिंग डिवाइस में, एंड होप किया जा रहा है कि वो शाओमी का मी मिक्स 4 डिवाइस होने वाला है। खैर, जब वो उस डिवाइस आएगा तो हम उस चीज़ को देखते हैं, बट फिलहाल इस वीडियो से बात करते हैं इसी कैमरा सेंसर के बारे में कि आखिर इस कैमरा सेंसर का पूरा ओवरव्यू क्या है। सो गाइस, यहाँ पर इस कैमरा सेंसर का साइज है 1x1.3 इंच का। सो अगर इसे कंपेयर करते हैं 1 इंच के कैमरा सेंसर सोनी के RX106 कॉम्पैक्ट कैमरा सेंसर के साथ में, तो ये उसका 3/4 पार्ट निकल के आता है। सो गाइस, जिसका मतलब ये निकल के आता है, यानी जो कैमरा सेंसर का साइज है वो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है। एंड ये भैया सभी फोन के लिए नहीं होगा, कुछ एक स्पेशल फोन होंगे जिनमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके मिड रेंज सेगमेंट में आने वाला है तो आप इसे भूल जाइए, बिकॉज यहाँ पर इसके लिए अलग से बॉडी डिजाइन की जाएगी, अलग से उसके लिए फ्रेम किए जाएंगे, तभी जाकर आप इस कैमरा को यूज कर पाएंगे, बिकॉज इसका जो हार्डवेयर है वो काफी बड़ा है। एंड गाइस, अगर यहाँ पर बात करें इसके पिक्सल्स की, तो इस कैमरा सेंसर में मिलते हैं हमको 108 मिलियन पिक्सल देखने को मिलते हैं, जो नंबर है बहुत ज्यादा नंबर है। एंड यहाँ पर अगर बात करें पिक्सल साइज की, तो वो निकल के आता है 0.8 माइक्रोन का। यहाँ पर ये रही इन्फॉर्मेशन इसके पिक्सल्स के बारे में। एंड यहाँ पर अगर बात करें नाइट फोटोग्राफी की, तो नाइट फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है टेट्रासेल टेक्नोलॉजी को, जिसे हम पिक्सल विनिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है पिक्सल विनिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये वही टेक्नोलॉजी जिसमें हम 4 पिक्सल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद जो हमको आउटपुट मिलता है वो एक 1 पिक्सल का मिलता है, जो कि बड़ा पिक्सल हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर सैमसंग इसी टेट्रासेल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जिसे स्मार्ट ISO भी बोला जा रहा है, जहाँ पर ये स्मार्टली ISO को कंट्रोल करेगा, उसके बाद जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिली वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ऑसम होगी। एंड एज यू नो, इसमें आपको 108 मिलियन पिक्सल देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से आप इसमें 6K वीडियो को शूट कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग एनी फील्ड ऑफ व्यू, इसकी वजह से आपको जो वीडियो क्वालिटी मिली वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ऑसम होगी। एंड ये पहला सेंसर होगा जिसकी मदद से आप 6K वीडियो को शूट कर सकते हैं, दैट इज सो ऑसम। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस 108 मेगापिक्सल के कैमरा की, तो यहाँ पर अगर आप करते हैं टेट्रासेल टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन इसको, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 27 मेगापिक्सल का, यानी कि जो आपको नाइट फोटोग्राफी होगी वो डेफिनेटली आपकी 27 मेगापिक्सल की होने वाली, यानी कि जो नॉइस रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, आपको इसमें नाइट HDR जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल अगर बात करें इसमें डे लाइट की, तो डे लाइट में आपकी जो फोटोज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा विविड, काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट आने वाली, जो कलर्स मिलेंगे आपको वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाले हैं, काफ़ी एक्यूरेट कलर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जो सोचते हैं कि भैया हर कैमरे में 1 मेगापिक्सल ही इंपॉर्टेंट होता है, कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमको प्रोवाइड हो जाएगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज ट्रू है कुछ हद तक, बट यहाँ पर आपको मेगापिक्सल ही नहीं, उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी काफी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज यहाँ पर अगर बात करें गूगल पिक्सल की, तो यहाँ पर गूगल पिक्सल यूज करता है अपने फोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा, बट उसकी जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ऑसम है, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो काफी ज्यादा ऑसम मिलते हैं, ज्यादा क्लियर मिलते हैं। सो यहाँ पर जरूरी नहीं कि उसके मेगापिक्सल भी काफी ज्यादा आए हैं, बट जस्ट यहाँ पर अगर बात करें 108 मेगापिक्सल कैमरा की, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये काफी बेटर परफॉर्म करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो कैमरा सेंसर का साइज है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़ा है, 12 मेगापिक्सल से। तो यहाँ पर आपको नाइट फोटोग्राफी काफी ज्यादा ऑसम मिलेगी, बट जरूरत है तो हमको एक स्मार्ट
सॉफ्टवेयर की, जिसकी मदद से हम एक बेटर आउटपुट ले पाए। सो बस फिलहाल यही थी वीडियो इसी 108 मेगापिक्सल के कैमरा के बारे में, एंड आई होप वीडियो काफी तो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी जानना हर दिन तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट टेक इन्फॉर्मेशन डेली टू डेली अपलोड होती रहती है, जिससे आपका जो टेक ज्ञान है थोड़ा बहुत इंप्रूव होता जाएगा। एंड बस फिलहाल इस वीडियो इतना ही, मिलता है सही से नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, बाकी हमारे हैंडल आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, आप इनको सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।